नमस्कार, आज की खबर चैनल में आपका स्वागत है। बात करेंगे हम इस वीडियो में आज के हमारे खबरों के सिलसिले के बारे में। आज हम हमारे खबरों के सिलसिले में कौन कौन सी खबरों को शामिल करेंगे, आज हम हमारे खबरों के सिलसिले में आज की सुर्खियों में शामिल करेंगे पैराडाइज पेपर्स लीक 2017 की खबर, दिल्ली में स्मोग लौट आया है की खबर, कारोबार जगत की खबरों में हम शामिल करेंगे CBDT ने जब्त की 1833 करोड़ की बेनामी संपत्ति की खबर, ATM से निकला 2000 रुपये का आधा नोट की खबर, मोबाइल नंबर और आधार कार्ड लिंक घर बैठे करवाएं की खबर। मनोरंजन जगत की खबरों में हम शामिल करेंगे आज अनुष्का शेट्टी का हैप्पी बर्थडे है की खबर, और खेलकूद की खबरों में हम शामिल करेंगे क्रिकेट की खबर। तो अब हम शुरू करते हैं आज का हमारा खबरों का सिलसिला, और पहली खबर हम लेते हैं पैराडाइज पेपर्स लीक की खबर। अभी कुछ समय पहले पनामा पेपर्स लीक की खबर आई थी। पनामा पेपर्स में पाकिस्तान के पूर्व PM नवाज शरीफ का नाम आया था और नवाज शरीफ को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था। अब खबर आ रही है कि पैराडाइज पेपर्स लीक हो गए हैं। पैराडाइज पेपर्स के तहत 13.4 मिलियन डॉक्यूमेंट लीक हुए हैं। पैराडाइज पेपर्स के तहत बड़े बड़े बिजनेसमैन, नेता और अभिनेताओं ने अपना पैसा इन्वेस्ट कर रखा था। पैराडाइज पेपर्स के तहत यह इन्वेस्टमेंट 19 टैक्स हेवन देशों में किया गया था। पैराडाइज पेपर्स लीक में 180 देशों के बड़े बड़े लोगों के नाम हैं। भारत के भी 714 लोगों के नाम इस लिस्ट में हैं। अभी इसकी जांच जारी है। जर्मनी के न्यूज़पेपर ने इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट ICIJ के साथ मिलकर यह खुलासा किया है। ICIJ में छिन्मय मीडिया ग्रुप शामिल है। यह सभी मिलकर वर्ल्ड में हो रहे घोटालों को उजागर करते हैं। अब हम आपको बताते हैं अगली खबर आ रही है दिल्ली में स्मोग लौट आया है की खबर। दिल्ली एक बार फिर स्मोग, जिसे हम धुआंसा और फोग भी कहते हैं, लौट आया है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार दिल्ली में स्मोग 5-6 दिन तक रहेगा। स्मोग के कारण हमें सांस लेने में परेशानी होती है और वातावरण भी धुंधला सा हो जाता है। हम आपको ये बताएं, स्मोग में पानी के कण यानी पार्टिकल्स और कार्बन के कण मिले होते हैं। इस कारण एटमॉस्फेयर में विजिबिलिटी कम हो जाती है। इस कारण कई हादसे हो सकते हैं। अब हम आपको बताते हैं अगली खबर आ रही है कारोबार जगत से जुड़ी हुई, और कारोबार जगत की खबर में हम आपको बताते हैं CBDT ने जब्त की 1833 करोड़ की बेनामी संपत्ति की खबर। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेशन CBDT के प्रमुख सुशील चंद्र ने मंडे को कहा है कि CBDT बेनामी संपत्ति रखने वालों पर कार्रवाई कर रहा है। अब तक 1833 करोड़ की बेनामी संपत्ति जब्त कर ली है। आगे भी इसी प्रकार कार्रवाई होती रहेगी। अब हम आपको बताते हैं एक खबर जिसमें हम आपको बताएंगे कि ATM से निकला 2000 रुपये का आधा नोट की खबर। खबर आ रही है कि दिल्ली के जामिया नगर में DCB बैंक का ATM है। इस ATM से 2000 रुपये का आधा नोट और आधा कागज चिपका हुआ निकला है। इस नोट के अंदर आधा तो 2000 रुपये का नोट है और आधा नोट कागज है खाली व्हाइट कलर का। तो ये नोट ATM से निकला है, इसकी जांच चल रही है। अब हम आपको बताते हैं अगली खबर आ रही है मोबाइल नंबर और आधार कार्ड लिंक घर बैठे करवाएं की खबर। घर बैठे भी हम अपना मोबाइल नंबर और आधार कार्ड लिंक करवा सकते हैं। इसके लिए टेलीकॉम कंपनीज घर बैठे अपना एजेंट भेजेगी। इस सेवा के लिए आपसे 200 रुपये का चार्ज भी लिया जाएगा। वैसे हम आपको यह बता दें कि यदि हम आधार सेंटर पर आधार कार्ड और मोबाइल नंबर को लिंक करवाने के लिए जाते हैं तो हमसे
बायोमेट्रिक टीटीएल को वेरीफाई करने के लिए ₹25 का चार्ज लिया जाता है। हम आपको बताएं कि यह सुविधा केवल बुजुर्ग और शारीरिक रूप से विकलांग लोगों के लिए शुरू की गई है। यह सेवा 1 दिसंबर से टेलीकॉम कंपनीज शुरू कर देगी। अब हम आपको बताते हैं अगली खबर। अगली खबर आ रही है मनोरंजन जगत से जुड़ी हुई, और मनोरंजन जगत की खबरों में हम आपको बताते हैं कि आज अनुष्का शेट्टी का हैप्पी बर्थडे है। हमारा चैनल आज की खबर अनुष्का शेट्टी को हैप्पी बर्थडे विश करता है। अनुष्का शेट्टी का जन्म 7 नवंबर 1981 को पुतूर कर्नाटक में हुआ है। अनुष्का शेट्टी की एज 36 साल की हो गई है। अनुष्का शेट्टी का रेजिडेंस हैदराबाद में है। अनुष्का शेट्टी ने एक्टिंग के साथ साथ मॉडलिंग भी की है। अनुष्का शेट्टी ने सुपर 2005 तेलुगु मूवी से टॉलीवुड में एंट्री करी थी। बाहुबली द बिगनिंग और बाहुबली 2 द कंक्लूजन में देवसेना का शानदार अभिनय किया था। खबर यह भी आ रही है कि बाहुबली मूवी के हीरो प्रभास और अनुष्का शेट्टी शादी कर सकते हैं। अनुष्का शेट्टी का असली नाम स्वीटी शेट्टी है। अब हम आपको बताते हैं अगली खबर। अगली खबर आ रही है खेलकूद की खबर, और खेलकूद की खबरों में हम आपको बताते हैं इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच आज तीसरा T20 इंटरनेशनल मैच खेला जाएगा। यह मैच ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम तिरुअनंतपुरम में खेला जाएगा। यह मैच शाम 7 बजे से शुरू हो जाएगा। तो यह हमारी आज की तमाम खबरें। आप हमारे चैनल आज की खबर को लाइक और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।